वीवर्स, मैं हूँ फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल अपसफर पर। हेलो बेबी। सो आज हम एक ट्राई करने वाले हैं मेरे मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं, मैंने अब तक अपने घर विजिट नहीं की है। तो आज सोचा हम ट्राई करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी झलक दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह उन्हें सरप्राइज किया। तो एक्चुअली फहीमा, मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर हमें पुलिस बीच में रोकती है तो हम दोबारा घर चले जाएंगे और हम अपना प्लान ड्रॉप कर देंगे मम्मी के घर के विजिट का। देखिए मेरे बेबी कितने हैप्पी है क्योंकि आज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद में पेरेंट्स भी बाहर कहीं जा रहा है। तो यहाँ लकीली हमें पुलिस ने नहीं रोका और हम इजीली ऑलमोस्ट चेक पॉइंट से निकल चुके हैं। और यहाँ पे फेरिस जो है मेरे पैर के पास जाके बैठ गया है नीचे और उसे पेपर और ये पेन मिल गया है ड्रॉअर में से। तो फेरिस मियां तो यहाँ पे है मगन और यहाँ पे हम सिग्नल पे रुके हैं। तो कितना भी लॉकडाउन हो जाए लेकिन ये जो बैगर्स होते हैं ये हमेशा बच्चों को लेके घूमते रहते हैं, तो मुझे बहुत खराब लगता है। हम इन्हें कभी भी कुछ ऐसे पैसे नहीं देते अगर वो बच्चों को लेके भीख मांग रहे हो तो। और ये केक मेरा जो मैंने बनाया था पिछले वीडियो में बिल्कुल सेफली पहुंच रहा है मम्मी के घर पे, ये एक्चुअली जियान के लिए मैंने सरप्राइज बनाया है। और फेरिस ने इस पेपर पे पूरी ड्राइंग बना के भर दी है। तो ये पेपर जो है फर्स्ट सर्विस होके रिसिप्ट आई थी, ये इसे मिल गई है। तो पेन भी इसने खुद से ओपन कर लिया है रोटेट करके और इसका काम चालू है। तो अब मेरी खुशी जैसे कि बढ़ते ही जा रही है जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुंच रही हूँ। ऑलमोस्ट ये हम आधा रास्ता पहुंचे हैं, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी की स्पीड समझिए 3 से 4 के स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, बिल्कुल स्लो मूव हो रही थी। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होते हुए वीकेंड के टाइम पे। तो फिर भी हम कुछ टाइम में यहाँ से निकल गए। फेरिस ऊपर आओ, नो मम्मा के लैप पे आ जाओ, नो नो फेरिस आ जाओ ऊपर बीबी, नो नो बीबी मम्मा के पास आओ, नो नो। तो हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से और अब यहाँ पे रास्ता थोड़ा क्लियर है, बिल्कुल स्मूथली हमारी गाड़ी चल रही है बिना किसी ट्रैफिक वगैरह के। और ये जो आप ऊपर देख रहे होंगे तो ये मुंबई में कई सालों से चल रहा है मेट्रो का काम, जो कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँचने आ चुकी हूँ घर पे मम्मी के। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें पकड़ रही थी, फाइन वगैरह ले रहे थे। और रास्ते में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, कई लोगों ने मास्क लगाए हैं। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके उतर चुके हैं और मम्मी के घर पहुँच ही रहे हैं। तो अब उन्हें मिलने वाला है बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज, एक्चुअली डबल सरप्राइज है। एक तो ये कि मैं आई हूँ और दूसरा ये कि मैं स्टे करने वाली हूँ। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप जब देखेंगे मेरे घर वालों का रिएक्शन तो आप सोचेंगे कि क्या सरप्राइज है। इसमें आप मेरी बहन का रिएक्शन देखना, वो फेरिस को बहुत प्यार करती है, उसको बहुत मिस करती है, वो फोन पे लिटरली रो देती है उसके लिए। अब वो उसको देख के देखना उसका रिएक्शन क्या देती है। तो अब हम यहाँ पे निकल रहे हैं, नकली वाला एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं हम निकलने की। फहीम खाना ना खा चुके हैं हम लोग और जिद करने लगे एक्टिंग वाला कि चलो चलो जाना है। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई है कि अभी जस्ट आए थे और 2-3 घंटे में निकल रहे हैं। तो अप्पी भी बहुत इमोशनल है। और इस एक्टिंग के लिए मैंने फेरिस को दोबारा से ये कपड़े पहनाए हैं क्योंकि वो आने के बाद में गर्मी हो रही थी तो उसके मैंने कपड़े चेंज किए थे। अब फेरिस और जियान की फोटोग्राफी खींच रहे हैं फहीम और यहाँ पे हम जाने की कर रहे हैं एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली। 1% पे किसी को अभी तक डाउट नहीं हुआ है। तो अप्पी बस चाह रही है कि इस मोमेंट में ऐसे जितना प्यार करना चाहे उतना प्यार कर ले क्योंकि अब पता नहीं दोबारा कब आएगा बेबी। अभी मैं आ गया हूँ अपनी कार में एंड मैं फलक का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि फलक की जो बहन है या फिर उनकी मम्मी है उनका क्या रिएक्शन रहेगा। बिकॉज जब वो सेंड ऑफ कर रहे थे तब वो बहुत सैड थे बिकॉज हम लोग एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद वहाँ पे गए एंड बस 2 आवर्स में हम निकल गए। तो उनको ऐसा था कि कुछ उधर और रुक जाते हैं। अब उनको पता चलेगा कि फलक यहाँ पे एक्चुअली 2 दिन के लिए स्टे करने के लिए आई है। तो अभी ये लोग मुझे दिख रहे हैं सामने से आते हुए तो मैं बाहर निकलता हूँ एंड मैं उनका वेट करता हूँ। अर्तुगल मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं पे भी। वो कि शेबू नहीं आया फेरिस।
तो यहाँ पे एक्चुअली हम बहाने से इन्हें यहाँ लेके आए हैं कार के पास, कि कुछ सामान है घर के लिए। और एक्चुअली मैं मेरा बैग उठवाना था भाई से, तो यहाँ पे आप अभी इसका रिएक्शन देखिएगा। सब लेने गए। तो तेरा पर्सनल बैग है ना? तू रुकेगी नहीं क्या वो इधर? मम्मा देखो पापा क्या कर रहे हैं। हाँ मिस कर दिया अपने। चाहेंगे क्या मैं? अल्लाह तो रुक नहीं ये। मम्मा। हो गया इतने ही क्या? एक डाइवर मिला। बोले हम आपने अभी जो ये खुशी देखी होगी इतनी सारी, ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं फेरिस के लिए है, क्योंकि फेरिस यहाँ पे जब से बॉर्न हुआ है तब से लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो फेरिस बहुत कम रहने के लिए आया है। अब मेरी मम्मी का रिएक्शन देखिए। अच्छा ये क्या है, बैग लेके आई है, रुकना है ये वो? अबे बच्चे देखो शेबू पीछे से क्या लेके आ रहा है। और फिर हो चुकी मेरी 2 दिन की छुट्टी खत्म और मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। फहीम पिकअप करने आए थे तो ऑलमोस्ट हमें डिनर वगैरह करके निकलने में टाइम हो गया था, तो रास्ता तो बिल्कुल ठीक था, कोई लॉकडाउन का इशू नहीं था, हम बिल्कुल सेफली घर पे पहुंच गए और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया मम्मी के वहाँ मिलके। अब पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे।